कवच का वर्जन 4.0 फाइनल हुआ था, फ्रीज हुआ था, अप्रूव हुआ था, आरडीएसओ की तरफ से अप्रूवल हुआ था। उसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा आगे नागदा तक वो कंप्लीट हुआ है। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत स्वागत है। आज एक्सप्लेनर में जो हमारा मुद्दा है वो ये है कवच 4.0। दरअसल आए दिन ट्रेन हादसे होते रहते हैं। इन ट्रेन हादसों में कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, कई लोग जख्मी होते हैं। कवच आपने ज़रूर सुना होगा। कवच जो कि रेलवेज के ट्रैक में लगाए जाते हैं, इंजन्स में लगाए जाते हैं, जिससे कि ट्रेन हादसों को रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद कई ट्रेन हादसे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अब तक सारे ही ट्रैक्स में और सारे ही जो ट्रेन्स हैं उसमें ये कवच नहीं लगाया जा सका है। लेकिन इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच 4.0 का आज राजस्थान में निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि कवच 4.0 क्या है और क्या है इसके फायदे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये वो सिस्टम है जो ट्रेन के इंजन में लगाया जाता है, जिससे कि ट्रेन हादसों को रोका जाता है। ये काम कैसे करता है ये भी आपको बताएंगे। ये काम करता है, अगर रेलवे ट्रैक के एक एक किलोमीटर के बीच में कवच लगा होता है तो ये एक सिग्नल जनरेट करता है। ये सिग्नल सीधा जाता है लोको पायलट के पास और उसे ये पता चल जाता है कि आगे खतरा आने वाला है, यानी कि कोई और ट्रेन सामने से आ रही है या फिर कोई और खतरा है। अगर लोको पायलट कोई भी स्पीड एक्सीड करता है तो इसे लेकर भी सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या इससे ट्रेन हादसे रोके जा सकते हैं। दरअसल जब ठंड के दिनों में वेदर को लेकर जब घना कोहरा होता है तो लोको पायलट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे आगे दिखाई नहीं देता है। और ऐसे में ये कवच काम करता है। ये कवच लोको पायलट को सिग्नल भेजता है, अगर आगे कोई ट्रेन आ रही हो या फिर ट्रैक पर कुछ हो तो कवच पहले ही बता देता है लोको पायलट को कि आगे खतरा है। अगर लोको पायलट ठीक तरीके से काम कर रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, तो ये कवच कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही लोको पायलट कोई गलती करता है और कवच को ये समझ में आता है कि ट्रेन खतरे में आने वाली है, तो उसके बाद तुरंत लोको पायलट को सिग्नल जाता है और इमरजेंसी के सिचुएशन में ये जो कवच होता है वो इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकता है। कवच 4.0 की अगर बात करें तो इसमें ये सुविधा दी गई है कि अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे कोई भी लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाता है तो ये कवच फौरन सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, और जैसे ही 140 या उसके ऊपर ट्रेन की रफ्तार जाती है तो फौरन ये कवच इमरजेंसी ब्रेक भी लगा देता है। इसके साथ साथ अगर कोई ट्रेन सामने से आ रही हो तो उस दौरान भी ये कवच सक्षम है इमरजेंसी ब्रेक लगाने में। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर कवच 4.0 को सभी ट्रेनों में लगा दिया जाता है तो हमारा जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी और आप सुरक्षित सफ़र कर सकेंगे। नमस्कार।